इराक में हालात और अधिक चिंताजनक होते जा रहे हैं। देश के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों को इस्लामिक उग्रवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इराक की फौज और आईएसआईएस के सुन्नी चरमपंथियों के बीच हफ्ते भर से इराक के पूर्वी और मध्य हिस्से में जंग चल रही है। वहीं हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में से एक मोसुल शहर में कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। भारत में इराकी राजदूत अहमद तहसीन अहमद बरवारी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है। The Iraqi government is working very close with the Indian government and we're trying our best to ensure their security. We are focusing now on two groups. One of them is stuck in Tikrit. The 46 nurses. We have tried to convince them to stay in the city till to find an appropriate situation to evacuate them out of the city. We have the 40 workers in Mosul. According to our information from different sources, we have checked, they are safe. इस बीच इराक में फंसे अमृतसर के 6 युवकों के परिजन संपर्क टूट जाने के बाद से काफी परेशान हैं। इन सभी परिवारों ने अमृतसर के एक गुरुद्वारे में एकत्र होकर इराक में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं की। गवर्नमेंट हमें पूरी सपोर्ट दे रही है, उनकी वजह से हम दिल्ली तक पहुंचे और आगे सुषमा जी ने भी जो भी हमें इंश्योरेंस दी है उससे भी मतलब दिल को थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन हम जो भी वो एक्टिविटीज जो एक्शन ले रहे हैं उससे कल जैसे ये न्यूज आई कि ये श्योर है कि दे आर सेफ। मैडम सुषमा स्वराज ने सानू जदों ये गल कही कि जदों जिहड़ा कोई हिंदुस्तानी आ वो मेरा बेटा वा, जदों बेटे नूं खरोंच लगदी आ मां नूं दर्द हुंदा, आपां नूं बोलण दी कुछ भी जरूरत नहीं रही। उन्हां दे हाव भाव तो सानू पता लग गया कि वो साडे वास्ते जरूर कुछ करनगे क्योंकि वो भी एक मां है। एमएनएसटी इंटरनेशनल इंडिया के मुताबिक इराक के नजफ प्रांत में सैकड़ों भारतीय कामगारों को पासपोर्ट उनके मालिकों ने देने से इनकार कर दिया है, जिस वजह से वो वहां फंसे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को इराक के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 16 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि अगवा किए गए भारतीयों में से एक व्यक्ति मोसुल शहर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलने में कामयाब रहा। इराक में अगवा भारतीयों में अधिकतर पंजाब और उत्तर भारत के अन्य इलाकों के हैं और मोसुल में वो निर्माण कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।